हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो होप सो तुम्हारा इंग्लिश हिंदी पेपर अच्छा गया। तो अभी ओसी का पेपर कैसे आएगा, राइट? तो ओसी के पेपर में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आगे पीछे देख के मदद लिख के मतलब नहीं, एकदम आसान ऑब्जेक्टिव है। जो बच्चा पूरा पढ़ा उसके लिए तो ईजी है। अब जो नहीं पढ़ा क्या करना है तुमको, अभी मैंने अच्छा कहा था, चार पाँच लेक्चर ओसी का बना दिया ऑब्जेक्टिव, उसको एक बार सुन लेंगे, 20 मार्क जमा हो जाएगा। फिर 8 मार्क का तुम्हारा क्या आएगा, मान लीजिए मेरा कॉन्सेप्ट आंसर रहेगा। तो 6-8 लाइन लिखना है, कैसे लिखना है वो भी समझा दिया हूँ। अभी आपको करना है क्या, अगर आपको उसी में डर लग रहा है, टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो मेरा नंबर है, जस्ट मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, सर ओसीएम का लिंक सेंड कर दो। तो मैं जैसे तुमको ओसीएम का लिंक सेंड कर दूंगा या चैनल के टॉप पे मिल जाएगा, तो जैसे क्लिक करेंगे ना तो सब आंसर तुमको शॉर्ट्स में मिलेंगे। 5-5 मिनट में मैंने अच्छा खासा आंसर एक्सप्लेन करा दिया, तो तुम्हारा काम आसान होगा। तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, 8 मार्क का कॉन्सेप्ट, 6 मार्क का जस्टिफाई, तो इधर तुम्हारा खेल आसान होगा। डिस्टिंग्विश भी उसी में ज़्यादा नहीं, एकदम ईजी है। एक तो कंज्यूमर के ऊपर डिस्टिंग्विश कंफर्म आने वाला है, और एक सेकंड चैप्टर से डिस्टिंग्विश आएगा, प्लानिंग, शॉपिंग, कंट्रोलिंग, और 20 के चैप्टर से आएगा कौन सा, सेविंग, करंट अकाउंट, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, एकदम अच्छे से करके रख लो। और फिर जस्टिफाई कैसे लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम लोगों ने लॉन्ग आंसर पढ़े, शॉर्ट नोट्स पढ़े, तो मीनिंग तुमको पहचानना चाहिए कि कौन सा चैप्टर का आता है। तो डेढ़ पेज उठा के तुम लोग लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख देने का, हेडपॉइंट में डाल देने का। और बड़े आंसर कहाँ से आएंगे, एक तो 4 चैप्टर से आएंगे और एक 8 चैप्टर से आएंगे। 8 चैप्टर से 2 आंसर कंफर्म पढ़ लो, कौन सा, मार्केट का फंक्शन पढ़ लो, मार्केट का इंपॉर्टेंस पढ़ लो, और एक मार्केट का 4 P's, ये 3 आंसर कंफर्म पढ़ लो जो मार्केटिंग में तुमको मिल जाएगा। और 4 चैप्टर में टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो ये उसी है, अगर कुछ भी डाउट है, हेल्प है, तो मुझे मैसेज कर दो नंबर पे, ओके? तो तुमको लिंक सेंड कर दूंगा ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, राइट? तो आप लोग चैनल पे देख सकते हो, 2000 वीडियो बने हो, मतलब बच्चे लोग के लिए बना था कि अच्छे से ध्यान दे, पास हो जाओ, ठीक है? टेंशन नहीं लेने का, पेपर भरना है और पेपर ज़्यादा हार्ड आता नहीं, बस तुम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना मार्क्स मिलेगा, टेंशन लेके मतलब नहीं, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।